नमस्कार, जरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए जान लेते हैं वृषभ राशि 2020 में शनि गोचर इस पर क्या प्रभाव डालने वाला है। शनि गोचर का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से शनि गोचर 2020 वृषभ राशि पर प्रभाव। न्यायदेव शनि का गोचर 24 जनवरी को यानी मकर संक्रांति को मकर राशि में होने का कारण वृषभ राशि का नवम भाव प्रभावित होगा, जिसकी वजह से इनकी कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कुंडली में सभी 12 चंद्र राशियों को पार करने के लिए शनि द्वारा लगभग 30 वर्षों की समय अवधि ली जाती है। वैदिक ज्योतिष में शनि को दंड गुरु के रूप में जाना जाता है। शनि वृषभ राशि 9वें घर भाग्य का यानी भाग्य के घर के माध्यम से परागमन करेगा। यह गोचर वृषभ राशि के लिए विशेष है, क्योंकि शनि आपके भाग्य यानी फॉर्चून हाउस में आने वाले 2.5 साल तक यहाँ रहेंगे। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा शनि का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए। शनि को गोचर साल 2020 में 24 जनवरी को दोपहर 12:10 पर हो रहा है। शनि 24 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि मकर में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से इस राशि के जातक पर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और शनि इनके नवम भाव पर गोचर करेंगे। तो आइए जान लेते हैं शनि का गोचर वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले जानते हैं नौकरी और व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि का गोचर वृषभ राशि के जात के नवे भाव पर होगा, जिसके कारण इन पर शनि की ढैया का अंत हो जाएगा। शनि के ढैया का अंत होने के कारण इस राशि के जातकों को नौकरी में थोड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन इन्हें सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। नौकरी से पहले से चली आ रही समस्याएं इस समय में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इन्हें इस समय में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वृषभ राशि के जो जातक व्यापार करते हैं, उन्हें अपने व्यापार में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, साथ ही व्यापार विस्तार के लिए इस समय में इनका धन भी अधिक खर्च होगा। अब जानते हैं शनि गोचर वृषभ राशि की स्वास्थ्य स्थिति पर क्या असर डालता है। वृषभ राशि के जातकों की सेहत शनि के इस गोचर के काल में खराब रह सकती है। इस समय में इन्हें पेट से जुड़ी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इन्हें इस समय में इन्हें बाहर की चीजें कम खानी चाहिए, तो यह समस्या अधिक नहीं बढ़ पाएगी यदि आप बाहर की चीजें कम खाते हैं। इतना ही नहीं, इस समय में आपको अपने पैरों और कमर का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको इस समय में पैरों और कमर से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। यदि आप पहले से ही बीमार रहते हैं तो आपकी यह बीमारी आपको और अधिक परेशान कर सकती है। ऐसे समय में आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और आपको दवाइयों का सेवन समय पर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं शनि गोचर वृषभ राशि पर इनकी पारिवारिक स्थिति पर क्या असर डालेगा। वृषभ राशि की पारिवारिक स्थिति की बात करें तो इस समय में इनका अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है, इसलिए इन्हें अपने भाई बहनों के साथ संबंध को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा इनका अपने किसी मित्र से भी इस समय में झगड़ा हो सकता है। यदि आपका अपने ससुराल वालों के साथ कोई विवाद चल रहा है तो वह भी इस समय में ठीक हो जाएगा। इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप दुस्साही और अति आत्मविश्वासी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी अपेक्षा दूसरों को कम समझेंगे और उनके साथ झगड़ा भी कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं शनि गोचर का वृषभ राशि के विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर काल काफी शुभदायक रहेगा। इस राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। वहीं इस राशि के जिन बच्चों का मन अधिक पढ़ाई में नहीं लगता रहा, उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा। इतना ही नहीं, इस समय में इस राशि के बच्चे इस समय में अपनी मेहनत से सभी को हैरान कर देंगे और परीक्षा में अधिक से अधिक अंकों के साथ पास हो जाएंगे। तो ये था वृषभ राशि पर शनि गोचर का असर, ये 2020 में क्या इफेक्ट डालने वाला है आज हमने आपको बताया। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।